मम्मी जायका में आपका स्वागत है। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का खाना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन अभी कोरोना काल में रेस्टोरेंट ढाबा सब बंद है और होटल में खाना खाने की इच्छा हो रही है। तो चलिए आज हम होटल जैसी एग करी घर पर ही बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार रेसिपी है ये। स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने दो प्याज लिए, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। ये तीन हरी मिर्च है और ये हरा धनिया है, आधा कप हरा धनिया है। ये मैंने दही लिया, इसको फैट लिया है। इसके अंदर हम हमारे कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून गरम मसाला है, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहे तो इसकी जगह सादी वाली लाल मिर्च ले लें। दो टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है और एक टीस्पून हमारी जो रेगुलर रेड चिली होती है वो है। इसे हम दही में मिक्स करेंगे। और इसे भीगने के लिए रख देंगे। तीन टीस्पून काजू का पेस्ट लिए, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये मेरे पास पड़ा था इसके लिए मैं डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया, एक टेबलस्पून कसूरी मेथी है, ये तीन टमाटर की प्यूरी है, आप टमाटर को मिक्सर में डाल के और उसको पीस ले तो वो प्यूरी बन जाएगी। छह बॉइल्ड एग लिए, एक टीस्पून नमक है और एक टीस्पून जीरा है। सबसे पहले हम मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हरी मिर्च और प्याज और हरा धनिया डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। इसे एक तरफ रख देंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। उस पर हमने कढ़ाई रखी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, दो टेबलस्पून ऑयल डालना। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, उसमें थोड़ी सी क्वार्टर टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो सादी लाल मिर्च भी डाल दें। और इसमें हमारे अंडे डालेंगे। हमारे अंडों को इसमें तलेंगे, इससे हमारे अंडों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। इसकी परत ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। हल्की सी ब्राउन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ये देखिए हमारे अंडे की परत ऊपर से ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल और डालेंगे, लगभग तीन टेबलस्पून जितना। इसमें जीरा डालेंगे एक टीस्पून। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हमें सिर्फ एक मिनट के लिए भूनना है। इसमें हमारा पिसा हुआ ये मसाला डालेंगे, प्याज हरा धनिया और हरी मिर्च का, और इसको हमें पांच मिनट भूनना है ताकि हमारी प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए हमारा ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून चुका, उसने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे, इसके साथ ही नमक डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैं कसूरी मेथी डालूंगी। अब एक टेबल स्पून कसूरी मेथी ली थी, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये हमने दही में सारे मसाले मिला के रखे थे, ये डालेंगे। इसे डाल के हमें रेगुलर चलाना है ताकि हमारा दही ग्रेवी में जाके फटे नहीं। अगर आपको ग्रेवी में रेस्टोरेंट जैसा कलर चाहिए तो आप इसमें रेड कलर ऐड करें। मैं इसमें ये बीट का पाउडर है, इसे पानी में डाल के ऐड करूंगी, इससे बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा हमारी ग्रेवी का। ये देखिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और लगभग 10 मिनट तक हमारी ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और हमारी ग्रेवी को चेक करेंगे। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसका मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन गई है और बीच से इसका कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इसमें हम कट लगाएंगे, इस तरह के हल्के हल्के कट लगा लें ताकि मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। हल्के हल्के ही कट लगाने। अब हम हमारी ग्रेवी में अंडे डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए हमारे अंडों को मसाले के अंदर भूनेंगे। अब हम इसमें आधा कप जितना पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना। और ढक्कन ढक के 5-6 मिनट तक पकाएंगे। हमारे 5-6 मिनट हो चुके, हमारी अंडा करी को चेक करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पक चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी मजेदार सी अंडा करी, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल का बटन है उसे दबाइए। इससे आप रोज हमारी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए।